बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों का यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होंडा सी G125 या 70cc मोटरसाइकिल की जो ब्रेक आवाज करती है, ब्रेक शू पिछले आवाज करते हैं। दोस्तों, ये इतना बड़ा फॉल्ट तो नहीं है, लेकिन उन भाइयों के लिए जो भाई मैकेनिकल का काम सीख रहे हैं, वो दोस्त जो अपनी बाइक का खुद काम करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा आप दोस्तों शेयर करूं, ये छोटा सा फॉल्ट है। तो दोस्तों, टाइम को बचाते हुए चलते हैं काम की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, ये है, आप देख सकते हैं, ये होंडा सी G125 है। इसके अंदर आप ये देखें, ये आवाज आ रही है इसके ब्रेक शू की। ब्रेक शू भी इसके अंदर नए हैं और पूरी मुकम्मल इसके अंदर नई फिटिंग है, लेकिन ये आवाज जो है दोस्तों ये नहीं जा रही। ये दोस्तों आवाज कर रहे हैं। इसको व्हील को खोलेंगे, प्लेट बाहर निकालेंगे, आपको चेक कराएंगे कि क्या वजह है और ये किस लिए आवाज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी ब्रेक शू वगैरह इंस्टॉल करें न्यू, तो ये लाजमी चेक कर लें। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ब्रेक शू जो है ये न्यू इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आवाज नहीं जा रही। तो ये आवाज जो दोस्तों कर रहे हैं, ये ब्रेक शू के स्प्रिंग आवाज कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्प्रिंग जो है दोस्तों ये साइडों पर टकरा रहे हैं। यहाँ पर ये आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये जगह भी इसकी कट चुकी है। ये देखें, ये जगह इसकी दोस्तों कट चुकी है। तो ये इसका आसान हल ये है दोस्तों कि इसके जो स्प्रिंग है ये बारीक वाले स्प्रिंग इंस्टॉल करें, इसमें पतले वाले। अगर पतले स्प्रिंग नहीं है, ये पतले स्प्रिंग इंस्टॉल करें। अगर पतले स्प्रिंग नहीं है दोस्तों, ये देखें, ये टकरा रहे हैं। अगर पतले स्प्रिंग आपके पास नहीं हो तो इसको हल्की सी ग्रीस लगा दें, ये आवाज़ बंद हो जाएगी। ये जिन भाई ने पहले ब्रेक शू इंस्टॉल करके दिए हैं, उन्होंने कहा जी आप बाइक चलाएं तो ये ख़त्म हो जाएगी आवाज़, लेकिन ये देखें, ये आवाज़ ख़त्म नहीं हुई। ये जगह भी इसकी कट चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि ग्रीस लगाएंगे, और ग्रीस जो है दोस्तों वो इस तरीके से लगानी है कि ब्रेक शू में नहीं है। ये केम को हल्की सी खोलेंगे, खोलने के बाद इसके अंदर ग्रीस लगा देंगे। तो दोस्तों, ग्रीस इतनी लगाएं कि ब्रेक शू के अंदर ना आए, सिर्फ स्प्रिंगों के अंदर आए। इसके बाद इस स्प्रिंग पे भी लगा देंगे, ज्यादा ग्रीस ना लगाएं ताकि ब्रेक शू के अंदर ना आए गर्म होके। ये देखें दोस्तों, ये हमने ग्रीस लगा दी है। अब इंशाल्लाह इसकी जो है ब्रेक की आवाज वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये देखें दोस्तों, ये इसका आसान सा हल है। जब भी ब्रेक शू इंस्टॉल करें, कोशिश करें कि पतले वाले स्प्रिंग जो है वो इंस्टॉल करें। अगर पतले स्प्रिंग ना हो तो हल्की सी इसको ग्रीस लाजमी लगा दिया करें, इसको ग्रीस लगा दिया करें। ये इसकी केम है, ये आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से पकड़ के यहां पर भी हल्की सी ग्रीस लगा दिया करें। उससे ये होगा कि ब्रेक शू जाम भी नहीं होंगे और ब्रेक की जो वर्किंग है दोस्तों ये भी अच्छी चलेगी। और लगाने के बाद इसको कपड़े से बाहर से जो फालतू ग्रीस है वो दोस्तों अच्छी तरह साफ कर दें। ये आप देखें, ये इस तरह काम करेगी। इसको फिटिंग करेंगे। दोस्तों, जब भी नट टाइट करें तो व्हील घुमा के ब्रेक को दबा के फिर नट टाइट करें। उससे ये होगा कि जो ब्रेक शू हैं दोस्तों वो अपनी जगह पे प्रॉपर बैठ जाएंगे, और उसके बाद व्हील जो है दोस्तों वो भी जाम नहीं होगा।
तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसकी ब्रेक शू की जो आवाज़ थी स्प्रिंग की दोस्तों, वो मुकम्मल तौर पे बंद हो गई। ये आप देखें बिल्कुल बंद हो चुकी है, अब इसके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं है। ये आवाज़ दोस्तों बिल्कुल इसकी ख़त्म हो चुकी है। ये देखें तो दोस्तों अब बिल्कुल आवाज़ इसकी बंद हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।